हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। आई एम अभिनव शर्मा एंड आई वार्मली वेलकम यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिल्म सूर्यवंशी की। सूर्यवंशी वो फिल्म है जो कि रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं अक्षय कुमार। हाल ही में अक्षय कुमार ने इसका पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसका कैप्शन अक्षय कुमार ने डाला है, अ बुलेट फॉर अ बुलेट, गेट रेडी फॉर रोहित शेट्टी सूर्यवंशी। आपको बता दूं कि ये फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज़ होने वाली है, यानी कि 2020 में ईद पर। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल सलमान खान ईद पर आते ही हैं अपनी कोई ना कोई फिल्म लेकर। इस साल भी आ रहे हैं 2019 में भारत के साथ, और अगले साल शायद या फिर तो किक टू के साथ आएंगे या फिर संजय लीला भंसाली के साथ उनका एक प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसको नाम दिया जा रहा है हम दिल दे चुके सनम 2। उसकी वैसे कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें कि अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्म क्लैश होगी, और ये जानबूझकर, मेरा तो मानना है कि जानबूझकर ये क्लैश किया जा रहा है, और कारण इसका एक ही है। अक्षय कुमार की जो आने वाली फिल्म है मार्च में, 21 मार्च को फिल्म केसरी जो आ रही है, उसमें पहले सलमान खान का भी एसोसिएशन होने वाला था। लेकिन सलमान खान को जैसे ही अजय देवगन की फिल्म तानाजी के बारे में पता चला, तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में, तो उन्होंने अपना केसरी से एसोसिएशन हटाकर अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर से कर लिया। और माना जा रहा है कि फिल्म में सलमान खान का रोल छत्रपति शिवाजी का हो सकता है। तो जैसे ही अक्षय कुमार को यह बात पता चली, तो अक्षय कुमार सलमान खान से थोड़ा खफा हो गए, जिसके बीच उनके बीच 36 का आंकड़ा हो गया। और शायद यही कारण है कि जिस वजह से सलमान खान के साथ अक्षय कुमार अगले साल क्लैश करने वाले हैं। बात करें अक्षय कुमार की इस साल की आने वाली फिल्मों की, तो क्या मैंने बताया कि केसरी आने वाली है मार्च 21 को, और फिर उसके बाद हाउसफुल 4, फिर उसके बाद आएगी गुड न्यूज़। अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जो मिनिमम साल में 3 फिल्में तो देते ही हैं, और आजकल ऐसे और नए एक्टर्स आ गए हैं जो कि 3 से 4 फिल्में देने में विश्वास करते हैं, जैसे कि आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विक्की कौशल। और बात करें अक्षय कुमार की इस साल की फिल्म की, तो केसरी के बारे में तो मैंने बताया है कि मार्च 21 को अक्षय कुमार की केसरी आ रही है, फिर उसके बाद हाउसफुल 4 आएगी, फिर उसके बाद गुड न्यूज़ आएगी, और फिर उसके बाद ईद पर आएगी सूर्यवंशी, जिसके लिए अक्षय कुमार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दे रहे हैं। लेकिन मेरा क्या मानना है, अक्षय कुमार किसी भी फिल्म के लिए 40 से 45 दिन से ज़्यादा नहीं देते हैं, तभी साल में इतनी फिल्में दे पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपके कुछ सवाल हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको झलक चाहिए हो चटपटी बॉलीवुड न्यूज़ के, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, bollygrad.studios पर। हाँ, एंड डोंट फॉरगेट द नेम्स अभिनव शर्मा, एंड द एड्रेस इज़ none of your business। सी ya।